हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने पेटीएम ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम पेटीएम के ऐप में अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहें, जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें अपने पेटीएम ऐप में बैंक अकाउंट को, तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने पेटीएम के ऐप में न्यू अकाउंट या आप पुराना ही अकाउंट को लिंक करना चाहो अपने पेटीएम में तो किस तरीके से लिंक कर सकते हो, ऐड करना चाहो तो किस तरीके से ऐड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको न्यू प्रोसेस में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से पेटीएम ऐप में लॉगिन हो जाना है। और पेटीएम ऐप में लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए पेटीएम में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्लस एड ए बैंक अकाउंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस भी बैंक को आप ऐड करना चाहते हो अपने पेटीएम ऐप में, उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि सर्च कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है आपका बैंक अकाउंट, जैसा कि मेरा बीओबी का है, तो मैं इस पर इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा अपने बैंक अकाउंट का नाम, उसके बाद आ जाएगा तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फाइनली गाइज, आप यहां पर देख सकते हो मेरा बैंक अकाउंट यहां पर ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद फ्रेंड्स, यहां से आपको अब बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर हम देख लेते हैं कि बैंक अकाउंट ऐड हुआ कि नहीं। तो यहां पर बैलेंस चेक करके हम देख लेते हैं। तो यहां पर बैलेंस चेक वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो चेक बैलेंस लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जो भी आपका यूपीआई पिन है, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स, मेरा यूपीआई पिन कुछ इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर रॉन्ग हो जाता है यूपीआई पिन, अगर आप गलत डाल देते हो तो यहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूपीआई पिन दोबारा से डाल देता हूँ और यहाँ पर मेरा बैलेंस देखने को मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पेटीएम के ऐप में किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहो, लिंक करना चाहो, तो इस तरीके से आप लिंक ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।